मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से छुटकारा दिलाने के वादे को केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया है। तीन तलाक बिल 2019 महिला अधिकार संरक्षण कानून पर संसद के दोनों सदनों की मुहर लग चुकी है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून प्रभावी हो जाएगा। इसके बाद एक समय में अपनी पत्नी को तलाक 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 कहना अपराध होगा और आरोपी को 3 साल तक कैद और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। तीन तलाक कहने पर अब क्या कहता है कानून? मुंह से लिखित या किसी और माध्यम से कोई पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो वो अपराध होगा। 3 तलाक देने पर पत्नी या उसके करीबी रिश्तेदार ही इस बारे में केस दर्ज करा सकेंगे। महिला अधिकार संरक्षण कानून 2019 बिल के मुताबिक एक समय में 3 तलाक देना अपराध है, इसलिए पुलिस बिना वारंट के 3 तलाक देने वाले आरोपी पति को अरेस्ट कर सकती है। एक समय में 3 तलाक देने पर पति को 3 साल तक कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है और उसे मैजिस्ट्रेट कोर्ट से ही जमानत हासिल होगी। मैजिस्ट्रेट बिना पीड़ित महिला का पक्ष सुने बगैर 3 तलाक देने वाले पति को जमानत नहीं दे पाएंगे। 3 तलाक देने पर पत्नी और बच्चे के भरण पोषण का खर्च मैजिस्ट्रेट तय करेंगे जो पति को देना होगा। 3 तलाक पर बने कानून में छोटे बच्चों की निगरानी और रखवाली मां के पास रहेगी। नए कानून में समझौते के विकल्प को भी रखा गया है। हालांकि पत्नी की पहल पर ही समझौता हो सकता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट के माध्यम से ही, वो भी उचित शर्तों के साथ। बिल पास होने के बाद खासकर मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर है। महिलाएं पीएम मोदी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को दिल से दुआएं दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज ट्रिपल तलाक का बिल पास हो गया है। आज मुसलमान महिलाओं के लिए ईद भी है, दिवाली भी है और माशाल्लाह 15 अगस्त का दिन भी आज ही है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और तमाम उन सांसदों का जिन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास होने के लिए मदद करी और समर्थन दिया। हमें सरकार से यही उम्मीद थी। आज मुसलमान महिलाओं की बेड़ियाँ टूट गई हैं, आज वो सशक्त हो गई हैं और सरकार हमें पूरा समर्थन दे रही है। बहुत खुश है हम इस चीज को लेकर और जिंदगी भर यही उम्मीद करेंगे कि मोदी सरकार इसी प्रकार हमारा समर्थन करती रहेगी इंशाल्लाह। तलाक पे जो बिल पारित हुआ है महिलाओं के हक में बहुत अच्छी बात हुई है। अभी तक महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी और कोई सुनने वाला नहीं था। अगर ये कहता है कोई कि ये गलत हुआ है तो नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि मेरी एरिया में खुद ऐसी तलाकशुदा औरतें और लड़कियां झेल रही हैं, सफर कर रही हैं। तो मुझे सरकार का एक अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। अभी तक समझ लीजिए किसी भी सरकार ने इस पे बिल्कुल नजर नहीं डाली थी और ये बिल्कुल से इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है महिलाओं के हक में। आपको बता दें कि विपक्ष के कड़े ऐतराज और बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग के बीच 3 तलाक बिल राज्यसभा से पास हो गया। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 99 जबकि विरोध में 84 वोट पड़े। राज्यसभा से 3 तलाक बिल पास होना बीजेपी और मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। R9 TV राघवेंद्र की रिपोर्ट।